अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कवरेज टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट बादशाह। मैं शाज़मीन। हाँ, कहते हैं कहानियाँ माशरे से जन्म लेती हैं और हमारा माशरा ऐसी कहानियों और किरदारों से भरा हुआ है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसा ही किरदार मौजूद है जो ना सियासतदान है और ना ही फिल्म स्टार, लेकिन उनके चखने वाले पूरी दुनिया में इतने हैं कि जहाँ से उनका गुजर होता है लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनसे मिले, सेल्फी लें। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जफर सुपारी साहब। आज हम उन्हीं से उनके बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो पाक कवरेज टीवी में तशरीफ लाए। अच्छा सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जफर सुपारी का असल नाम क्या है? जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो इस टाइम में आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। मैं पहले बड़े इंटरव्यू में भी बता चुका हूँ, मेरा असली नाम जफर खान है। जो जफर सुपारी, ये मेरा निक नेम है, ये दोस्तों ने रखा था, तो अब ये नाम हर जगह हर बंदे अब इस नाम से मुझे जानते हैं ज़्यादा, तो ये मेरा निक नेम है। जी, तो जफर सुपारी साहब, आप बताइएगा कि आपके नाम के साथ सुपारी क्यों लगता है, ये क्या वजह है? कि जफर तो समझ आता है हमें कि जफर का मतलब कामयाबी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत से कामयाबी से भी नवाजा है, लेकिन ये सुपारी क्यों लगा है आपके नाम के साथ? एक निक नेम है। अच्छा, मेरे नाम के साथ अच्छा लगता है, तो इसलिए अब ये अब हटा भी नहीं सकते। जी जी, मतलब ये अब इतना अरसा हो गया, सब लोग इस नाम से पुकारते भी हैं और इस नाम से बुलाते भी हैं, जफर सुपारी के नाम से। तो जी जी, तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मनीजेंसी से, पैदाइश मेरी रिहाइश और पैदाइश मेरे पिंडी में थी। अच्छा। तो गांव मेरा जो है मैं मनीजेंसी है। पिछले दिन मैं गया भी था कोई 15 साल बाद, क्योंकि हालात ख़राब थे उधर, तो 15 साल बाद। आजकल मैं YouTube पे जफर सुपारी के नाम से मेरा YouTube चैनल है। okay. तो उस पर मैंने वीडियो भी लगाई है अपने गांव की। तो बड़ी खुशी हुई, तो हम उधर गए थे, 7 दोस्त भी थे। तो 15 साल बाद अपने गांव में, अपनी मिट्टी पे, अपने बाप दादा की जगह पे गए हैं, बड़ी अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह जाते भी रहेंगे। वो मैंने सबको पूरे YouTube पे मेरी वीडियो आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है सर, कहते हैं शोहरत नहीं बल्कि वजह शोहरत अहम होती है, आपकी वजह शोहरत क्या है? ये बस मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेन सबसे पहले अपने वालिदैन, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनसे दुआएं लें। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कामयाबी जो आपके हैं ना, आपके वालिदैन हैं। ऊपर से आपका इखलाक, आपकी ज़ुबान, ये मेन चीज़ यही है। अच्छे तरीके से मिलना, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पर शफकत करना, और जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, उनके साथ मुखलस चलना, तो यही बस मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ यही है। बिल्कुल ठीक है। तो जफर सुपारी साहब, आपको हमेशा ना गोल्ड के साथ ही देखा गया है, तो आप हमें वैसे ही अच्छे लगते हैं, तो आजकल आपको ना ही कहीं गोल्ड नज़र आता है और सारे आपके फैंस जो परेशान हैं, हैरान हैं कि गोल्ड किधर गया आपका, तो बताइए ना। गोल्ड मेरे पास ही है जी। अच्छा, गोल्ड मेरे लॉकर में है, मेरे पास ही है। अच्छा। बस कम कर दिए, क्योंकि आजकल मेरे दोस्त हैं जो मेरे, और जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े बड़े लोग जो आलम दीन हैं, वो समझाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए दुआ भी करते हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम पहनता हूँ। अब सोना बहुत कम कर दिया, पहनता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं पहनता। एक आधी अंगूठी, ब्रेसलेट पहन ली, जिस तरह पहले शौक़ था गले में अंगूठियाँ, पूरे हाथ भरे ब्रेसलेट कड़े, उस तरह बिल्कुल मैंने कम कर दिया, और इंशाल्लाह और कोशिश करूंगा बिल्कुल मजीद इसको ख़त्म कर दूँ। सियासत में आना चाहें तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी की बनाएंगे? नहीं नहीं, सियासत का शौक़ ही नहीं है। अच्छा। और सियासत का शौक़ नहीं है मुझे, ना कभी सोचा है ना कभी पार्टी बनाने का। तो इंशाल्लाह इसी तरह अपने दोस्तों के दिलों में प्यार डालना, इसी तरह ये सियासत है मेरी, किसी के खुशी में गया, किसी के पास गया, यही सियासत, इसी का मेरी सियासत यही है। इधर तक है दोस्तों यारों में, दिल में अपना बांटना, उनके साथ रहना, ये मेरी सियासत है। इंशाल्लाह इसी तरह सियासत रहेगी मेरी। बहुत बहुत ही अच्छी बात की कि इनकी सियासत है अपने दोस्तों को खुश रखना और दूसरों की मदद करना। तो एक संजीदा मसले पर बात करते हैं हम जफर सुपारी साहब से, कि आज अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले क्या हुआ कि एक खातून थी जो कि मोटरवे पर रात को जा रही थी और उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ, आप सब जानते होंगे और आप भी सर जानते होंगे, तो इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ?
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक पूरे दुनिया में हमारा पाकिस्तान का एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि एक वाहिद हमारा इस्लामी मुल्क है और अच्छा जो औरतों की इज्जत भी है इस मुल्क में, तो ये एक गलत जो लोग इस ये हरकत की है बहुत गलत की है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, एक इबरतनाक सज़ा, क्योंकि फिर आइंदा कभी ऐसा हमारे पाकिस्तान में हमारे मुल्क में ऐसा कोई काम ना हो। तो ये इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं औरत की इज़्ज़त करना जानते हैं, तो इंशाल्लाह हम ये जो गलती हुई है और उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, आइंदा कभी किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ, किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ ना हो। अच्छा सर, आपको पता है जैसे कि दो जहाँ के मालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, 12 रबी अव्वल को उनकी जश्न विलादत है, आप लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यही ईद है, ईदों से बढ़कर ईद है, इस हवाले से आप लोगों को? बिल्कुल जी, ये आप, मैं तो ख़ुद भी रात को घूमता रहता हूँ, ये ऐसी ईद है ना हर टाइम, कितने दिनों से आप चले जाएँ कारगढ़ मल्ले, असगर माल, राजा बाज़ार, बनी, गुजर खान, ये पूरा मतलब हर बंदे ने पहले ये आराम आराम से ये लोगों के दिलों में आ रहा है। आप देखें जितने माल प्लाजे पे, सदर, हर प्लाजे, अभी मैं गुजर रहा था DHA से, उधर भी सारे बड़े बड़े प्लाजे सजे हुए हैं, रौनक है। तो ये हमारी ईद है और मिलाद हो रहे हैं, आप लोग कोशिश करें आपके महल्ले में, आपके मस्जिद में, जिधर भी मिलाद हो, आपको दावत हो या ना हो, ये खुशनसीब इंसान होगा जो इस महफल में बुलाए, ये हमारे में इसमें कोई हमारा कोई काम नहीं है, ये बुलावा होता है। तो इस टाइम फरिश्तों की दुआओं की नेकियों की बारिशें हो रही होती है, आप कोशिश किया करें 5 मिनट के लिए अपनी हाज़िरी दे दिया करें अपने कामों से निकल के। ये दिन, ये महीना, ये साल कभी नहीं आना, आगे हमें नहीं पता आगे क्या होता है, तो लिहाजा आप इनमें हिस्सा डालें, इधर जाया करें। तो इधर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अच्छे नात खान आए होते हैं, आपको सुकून मिलेगा, आप एक नात सुने ना तो आपके जिस्म पे या दिल पे कोई बोझ हो ना तो सारी टेंशनें हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें अपने महल्ले में कोई आता है, क्योंकि ये बेचारे बड़े दूर दूर से आते हैं नात खान, कोई जेलम से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, तो उनका इस्तकबाल भी किया करें। तो आप कोशिश किया करें अपने कोई दोस्त यार हो, बग़ैर फजूल किधर बैठने से अच्छा है इधर चले जाएं, सवाब भी मिलेगा और उधर दुआ भी होती है और अच्छे अच्छे आपको बातें सीखने को मिलेंगी। तो कोशिश किया करें ये दिन अच्छी तरह मनाएं, जो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं इस दिन में आप आपस में मिलें, आपस में एक हो जाएं, जिससे कोई बड़ा है गलती हुई है आपसे हुई है उनसे माफ़ी मांग लें, तो आपस में मिलजुल के आप रहे। सही बात है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाता है। अच्छा सर, अभी आपने रिसेंटली एक वाकया देखा है कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि वरफान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह पाक जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमत आलमीन बना के दिए हैं, तो इस हवाले से भी रोशनी डालेंगे? बस ये अल्लाह उनको गर्क करें जो ये इस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इस्लामी मुल्क के दिल दुखाने, ये एक ऐसी चीज़ ना, आपने देखा होगा फेसबुक पे भी, उसको इनको ब्लॉक कर देना चाहिए, जो ऐसे उनके साथ जो उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ भी है उनको भी क्या कहते हैं, आप उनको निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक दफ़ा नहीं हुआ ना, ये कितनी दफ़ा हुआ है, वो दिन पर दिन करते जा रहे हैं, हमारी तरफ से एक्शन ही नहीं हो रहा। जी तो जफर सफाई साहब, एक बहुत ही अहम टॉपिक है कि टिकटॉक जो है बंद हो गए थे, जो कि अब बहाल हो गए हैं, तो आप भी एक टिकटॉकर हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या इनका बंद होना ठीक था या गलत? टिकटॉक बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गलत यूज़ करें तो मैं तो कहता हूँ बंद हो जाए तो अच्छा, हमारे मुल्क में ऐसा बेआई है, इस्लामी मुल्क है, तो इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छा यूज़ करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह ये लोग यूज़ करते हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, जुनैर है जो पूरा पाकिस्तान दिखा रहा है, हमारी खूबसूरती दिखा रहा है पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, इस तरह और भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो अच्छा यूज़ करें। पहले तो ये था गाली गलोच बहुत होती थी टिकटॉक पे, अल्लाह का शुक्र अब बहुत कम हो गई है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की माँ को, किसी की बहन को गाली देना, वो बेचारी अपने घर में बैठी नमाज पढ़ रही होगी, इबादत कर रही होगी, तो ये लोग इधर से आपस में लड़ रहे होते हैं फजूल, ये नहीं करना चाहिए, ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें टिकटॉक पर। तो आप कोशिश किया करें अच्छा यूज़
यूज़ करें, हदीसें तिलावत और कवाली लगा लिया करें, अच्छा यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटे छोटे लड़के अपना टैलेंट दिखाते हैं तो अच्छी बात है, इस तरह यूज़ करें अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर अच्छी चीज़ है। गलत ना यूज़ करें, गलत यूज़ करें तो इससे अच्छा ये टिकटॉक बैन ही हो जाए तो अच्छा है। जी तो जफर सिपाही साहब, आपको जितना प्यार यहाँ मिलता है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह से आप तकरीबन 28 कंट्रीज़ में जा चुके हैं, तो आप जाते हैं तो क्या आपको वहाँ पे भी इतना ही प्यार मिलता है जैसे पाकिस्तान में मिलता है? जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के ही लोग होते हैं ना उधर। अच्छा। वो बेचारे जब पाकिस्तान से कोई बंदा आए तो बड़े खुश होते हैं, उनके लिए एक नई मतलब खुशी की बात होती है, बड़े इज्जत भी देते हैं। गोरे वगैरह होते हैं, हर किस्म के, हर किस्म के लोग होते हैं उधर भी, मतलब गोरे भी होते हैं या अरबी लोग भी होते हैं, जानते हैं ना कि सॉफ्टवेयर तो पूरे वर्ल्ड में ही चलता है ना, यही फेसबुक यही टिकटॉक पूरी दुनिया में चल रहा होता है, तो लोग मिलते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा उसी तरह प्यार जिस तरह इधर पाकिस्तान में मिलते हैं, इस तरह उधर भी उस ज़्यादा मतलब वो बेचारे बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया की बात हुई तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जफर सिपाही को मैंने फेसबुक पे सर्च किया तो इतनी ज़्यादा आईडीज़ आ जाती हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपकी पर्सनल जो आईडी है वो कौन सी है? जी पहले तो बड़े मसले होते थे फेक आईडियाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत कम भी हो गया। अब मेरा जो फेसबुक आईडी है और पेज है वेरीफाई हो चुका है, ब्लू टिक लग गया, तो आप जब सर्च करें ना तो ब्लू टिक आ जाएगी। पहले तो फेक बहुत ज़्यादा आती थी, तो अब ये है थोड़ा कम हो गई हैं आईडियाँ, फेक आईडियाँ भी कम हो गई हैं जब से मेरा ये पेज वेरीफाइड हुआ है, तो अब माशाल्लाह मतलब फ़र्क पड़ गया। पहले तो पता ही नहीं लगता था ना किसी को, मुझसे लोग किसी कोई रब्ता करना चाहते थे तो वो किस फेक बंदे से बात कर रहे होते थे और पता ही नहीं लगता था, तो अब बेहतर हो गया क्योंकि मेरा पेज भी वेरीफाई हो गया, फेसबुक भी हो गया, तो मज़ीद जो लोगों ने फेक आइडियाँ बनाई है मेरा एक मैसेज है ये बंद कर दें, अकाउंट सारे ब्लॉक कर दें, ज़रूरत नहीं है ना किसी का नाम यूज़ करना, गलत यूज़ करना। जी तो सर, आपके बहुत से माशाल्लाह फैंस हैं यहाँ पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि बैरूनी ममालिक में भी बहुत से फैंस हैं, तो कोई ऐसे फैंस हैं आपके जो बहुत ही दीवाने हैं, जो पीछे ही पड़ गए हैं आपके, बार बार घरों के चक्कर लगाते हैं और तंग करते हैं, या कुछ ऐसे हैं? होता है ना ऐसे बड़े बड़े लोगों के माशाल्लाह होते हैं। जी तंग तो मैं नहीं होता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मेरे बहुत हैं, अब किस किस का नाम लूँ, तो इस तरह फ़ैन मेरे सारे मेरे भाई हैं, फ़ैन लफ्ज़ ही मुझे नहीं तो समझो अच्छा लगता, मुझे मेरे सारे भाई हैं, भाई हैं जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह और भाइयों की तरह रहेंगे और मतलब जिसके साथ भी है सब एक जैसे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद दुआ करें, मैं अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं इन सब के साथ उसी तरह प्यार और मोहब्बत से रह सकूँ। सर आखिर में पाक कवरेज टीवी के नाज़रीन को और ख़ासकर आपके जो फैंस हैं गुजर खान में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी गुजर खान के लोगों से मुझे बड़ा प्यार है क्योंकि भाई खान गांव है इधर, वो मेरे उधर रहते हैं, उमान भाई इटली का मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त आला भी है, तो क्योंकि मैं एक इटली में गया था तो उनके घर में मैं रहूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत खिदमत उनके वालदैन ने, क्योंकि आप किसी के घर चले जो अफ्तार हो तो उनके माथे पे बल पड़ जाते हैं, महीना दो महीने, तो उनके घर में 5 महीने रह चुका हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके घर वाले रोज़ मुझसे पूछना कौन सा खाना खाना है क्या करना है, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ इतनी कम है, और मेरा समझो सके भाइयों से भी बढ़ के जिस तरह मेरा हबीब और इजाज़ है उससे भी मुझे बढ़ के, मतलब मेरा उमान मेरा इस तरह है जिस तरह मेरा सके भाइयों की तरह जो गुजर खान में मैं, जिसके आप कह रहे हैं गुजर खान के बारे, तो इस वजह से मुझे गुजर खान के सारे लोगों से उसी तरह प्यार है जिस तरह मेरे उमान भाई हैं, और मेरा भाई रहेगा इंशाल्लाह, मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ क्योंकि वो मेरे फैमिली है मेरी एक, तो वो आजकल इटली में। पाक कवरेज वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी तरह जितने और भी न्यूज़ वाले हैं आप निकलें, जो लोगों ने मेहनत की है, जो लोगों ने बाज़ारों को सजाया हुआ है, अभी मैंने गुजर खान में भी देखा है माशाल्लाह माशाल्लाह जो झंडियाँ लगी हुई है और बाज़ारों को सजाया हुआ है, लोगों ने हर बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं सजाने में, तो आप जो कैमरा है ये पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में दिखाएं, जितने भी न्यूज़ वाले हैं आप कोशिश करें ये अल्लाह के लिए ये टाइम वक्फ करें और निकलें और इसको दिखाएं कि हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि लोग ज़्यादा गुजर खान के लोग इंग्लैंड में भी है, इटली में भी है, पूरे वर्ल्ड में है, वो भी देखें अपने बाज़ार को
और उनके दिल में भी शौक़ पैदा हो और हर साल फिर इधर आएँ ईद मिलादुन्नबी पाकिस्तान में मनाएँ और उधर भी मनाएँ जिधर इटली में हैं या जिधर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र सिपाही साहब के आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी जी। तो नाज़रीन इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का अहतमाम करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।